रायचंद नाम का व्यापारी नेपाल के बर्फीले पहाड़ों में रहता था, जो कंबल बनाकर उसका व्यापार करता था। रायचंद के पास कई भेड़े थी। भेड़ हमको प्यारी है, भेड़ हमको प्यारी है, गोरी और दुलारी है, भेड़ हमको प्यारी है। रायचंद अपनी भेड़ों से ऊन इकट्ठा करता। डरो मत, हम कुछ नहीं करेगा, सिर्फ ऊन निकालेगा। उसके बाद रायचंद अपनी पत्नी के साथ ऊन से कंबल और स्वेटर्स बनाता है। दोनों के स्वेटर्स और कंबलों की कारीगरी बहुत खूबसूरत थी। अप्रतिम, बहुत खूब। तुम्हारा भी कंबल बहुत सुंदर है। जब सारे ऊन से कंबल और स्वेटर बन जाते हैं तो रायचंद उन्हें अपने घोड़ों पे लादकर शहर में व्यापार करने के लिए निकल पड़ता। रायचंद थोड़ी दूर जंगल में आया और भाई सुनो, क्या तुम शहर जा रहे हो? हाँ भाई, शहर ही जा रहा हूँ। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ साथ चलते हैं। मैं जय सिंह हूँ, शहर में मेरी दुकान है। हम रायचंद, हम एक व्यापारी हैं। आप किस चीज का व्यापार करते हो? हम कम्बल और स्वेटर बना के बेचते हैं। अरे वाह, आप मुझे दिखा सकते हैं? क्यों नहीं मेरे भाई। दोनों रुके और रायचंद ने जयसिंह को अपने बुने हुए स्वेटर और कंबल दिखाए। बहुत खूब भाई, क्या दाम होगा इन सब का? कम से कम 1000 सिक्के तो जरूर होंगे। उसके बाद दोनों फिर अपना सफर जारी रखते हैं और देखते ही देखते वो शहर पहुंच गए। चलो भाई, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ, पहले मेरा सामान तो लौटा दो। ये सामान तो मेरा है। तुम्हारा कैसे? ये सामान तो मेरा है। कैसी बात कर रहे हो भाई, मैंने तुम्हें अपने साथ आने की अनुमति दी और तुम तो मेरे ही सामान को अपना बोल रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैंने तुम्हें अपने साथ आने दिया और तुम मेरे सामान को हड़पना चाहते हो। तभी आसपास कुछ लोग जमा हो गए। एक काम करो, तुम दोनों नायक जी के पास जाओ, वो इस शहर के सभी समस्याओं का हल करते हैं, तुम्हारी समस्या भी जरूर हल कर देंगे। वो दोनों नायक जी के घर गए। बोलिए, आप दोनों की क्या समस्या है? मैं रायचंद हूँ, स्वेटर और कंबलों का व्यापारी। मैं अपना सामान शहर में बेचने आ रहा था कि मुझे जय सिंह रास्ते में मिला। उन्होंने शहर साथ चलने को पूछा तो मैंने इन्हें अपने साथ ले लिया और यहाँ पहुँचते ही ये मेरे सामान को अपना बोल रहे हैं। नहीं नायक जी, ये झूठ बोल रहा है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी शहर में दुकान भी है। मैं नेपाल से कंबल और स्वेटर खरीद के लौट ही रहा था कि ये महाशय मिल गए। ये मेरे साथ शहर आए और अब मेरे सामान को अपना बता रहे हैं। अरे ये क्या, दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। अगर सामान तुम्हारा है जय सिंह, तो तुम्हें इसकी पहचान होगी। लेकिन नायक जी, शहर आते वक्त मैंने इसे मेरा सारा सामान दिखाया था, तो अब इसे सारे सामान की पहचान होगी ना? नायक जी कुछ सोचने लगे। अब तो फैसला करना बहुत मुश्किल है, तुम दोनों सामान को दो बराबर हिस्सों में बांट लो। अरे लेकिन मेरी साल भर की मेहनत है। तुम्हारी नहीं, मेरी मेहनत। बस बहुत हो गया, तुम दोनों इस सामान को आपस में बांट लो। ठीक है। नायक जी के फैसले मान के दोनों ने कंबल और स्वेटर आपस में बांट लिए। फिर नायक जी रायचंद के पास गए। रायचंद, अब जब तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वो तुम मुझे कितने में बेचोगे? 500 सिक्के। मैं तुम्हें 250 सिक्के दे सकता हूँ। नहीं हो पाएगा नायक जी, साल भर की मेहनत है, इतने घाटे में नहीं बेच सकता। फिर नायक जी जयसिंह के पास गए। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन जो भी हो, जो कुछ बचा कुचा है वो तुम मुझे बेच दो। आप सच में खरीदना चाहते हैं? हाँ। नेकी और पूछ पूछ, क्या दाम है इन सब का? 500 सिक्के। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 250 सिक्के दे सकता हूँ। हुजूर, चलिए ठीक है। तुम झूठे हो, ये तुम्हारा सामान नहीं है। अगर तुम सच में इस सामान के मालिक होते तो इसे आधे दाम में बेचने के लिए कभी भी राजी नहीं होते। जयसिंह की बेईमानी पकड़ी गई।
तुम्हें अपने गुनाह के लिए रायचंद को 500 सिक्के जुर्माना देना होगा। रायचंद को 500 सिक्के मिले और वो अपना सामान वापस पाकर बहुत खुश हुआ। इसलिए कहते हैं, सच्चाई की जीत होती है और झूठ की उम्र छोटी होती है। झूठ हमेशा पकड़ा जाता है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।